सो गाइस सभी सोचते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग जैसे कि मेरे पास है KTM, आपके पास कुछ भी बाइक होगा तो चल जाएगा, और बाइक के साथ साथ चाहेगा लगेगा जो चीज़ आपको वो है एक कैमरा। तो मेरे जो गोप्रो को हम लोग कैसे हेलमेट में लगा सकते हैं, तो गोप्रो नहीं लगेगा गाइस, आपको खोलना है नहीं तो सेट नहीं हो पाएगी गाइस, इसको ऐसे खींचने से खुल जाएगी। और इसको ऐसे रख दिया मैंने साइड में। अब बारी है माउस की, जो ये फोल्डर है आपको कैमरा ऐसे लेना है और कैमरे को ऐसे इधर से खाना है गाइस। तो गाइस सभी सोचते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग करना है लेकिन मोटो ब्लॉगिंग कर कैसे सकते हैं हम लोग। मोटो ब्लॉगिंग करने से फ़ायदा तो है, यूट्यूब में अच्छा करियर बनता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, बस एक फ़ोन, एक हेलमेट और एक बाइक होने से नहीं होती है गाइस। कुछ नॉलेज आपको चाहिए, कुछ ट्रिक्स आपको जो लगानी है, और कितना खर्चा आती है, कितना मतलब मेहनत लगती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस थोड़ी अच्छी वीडियो और अच्छी वीडियो की क्वालिटी जब होगी तभी आपका वीडियो मतलब सब कोई देखेगा, तो और भी ज़्यादा व्यू आएगा और भी ज़्यादा गेन होगा आपका यूट्यूब करियर। सेविंग्स करके आप एक कैमरा ले लो अच्छी सी, गोप्रो हो सके तो गोप्रो ले लो, या तो कोई और मतलब आपको जितना बजट है बजट में आप कैमरा ले सकते हो एक। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि आप लोग मोटो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो और क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, आपको बहुत ही कम बजट में हो जाएगा। मोटो ब्लॉगिंग सबका ड्रीम होती है, यूट्यूब के लिए ग्रोथ मतलब गेन करने के लिए सभी चाहता है कि मैं मोटो ब्लॉगिंग करी, और सबके पास बाइक होती है, स्कूटी होती है, एक हेलमेट भी होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, सबसे पहले मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो गाइस सबसे पहले चीज़ जो चाहिए होती है वो आपके पास एक बाइक होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास है KTM, आपके पास कुछ भी बाइक होगा तो चल जाएगा, और बाइक के साथ साथ चाहेगा लगेगा जो चीज़ आपको वो है एक कैमरा। तो मेरे पास अभी GoPro है, GoPro Hero 10, आप फ़ोन से भी कर सकते हो या कैमरे से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं होगा। कैमरा होगा तो क्वालिटी अच्छा मिलेगा आपको और व्यू भी अच्छा आएगा, और उसके साथ लगेगा गाइस एक माइक एडाप्टर, जो माइक एडाप्टर क्या काम में आती है मैं आपको दिखाऊंगा, और चाहिए एक माइक जो 200-300 में आ जाइएगा गाइस, ज़्यादा पैसा नहीं। गाइस मैंने जैसे बोल रहा था आप लोगों कैसे आप लोग मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, और मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, आपको एक फ़ोन से भी मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपको थोड़ी सी मतलब एनर्जी चाहिए जो चाहते हो कि मोटो ब्लॉगिंग करना है हमको, तो आप इजीली कर सकते हो। और एक हेलमेट चाहिए आपको, मेरे पास भी एक हेलमेट है जो 2299 है XBPH, तो आप किसी भी हेलमेट ले सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल से यही है कि हेलमेट अच्छा सा हेलमेट ले लो, उसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा रहेगा गाइस। और उसके साथ लगेगा एक माउथ जो मैंने परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, तो ये 1000 में मिल जाएगा गाइस। उसके साथ साथ आएगा एक माउथ जो वाई माउथ है, इधर से लगा हुआ है, मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। ये वाई माउथ है जो इसका अंदर से जाते हुए इधर ऐसे खोल दें, इधर से माउथ जाके यहाँ लॉक है, तो इधर हम लोग लॉक कर देते हैं जबकि GoPro गिर ना जाए रास्ते में, ठीक है। और ये सब तो हो गया। एक कैमरा जो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, या कैमरा आप कैमरा लेते हो तो उसमें क्वालिटी जो होगा अच्छा आएगा, उसमें आप एडिट भी मतलब ईजिली कर सकते हो। और जो चाहिए होती है आप जो बोल रहे हो वो कैप्चर कैसे होगी, उसके लिए चाहिए होती है गाइस एक माइक। अब माइक हम लोग कैसे लगाएंगे हेलमेट में, ये देखो एक माइक है जो हम लोग इधर से इंस्टॉल किया, और ये देख सकते हो लॉक है जो ऐसे चाप देने से हो जाएगा, तो मैंने यहाँ माइक लगाया, ठीक है गाइस देख सकते हो यहाँ माइक लगाया, तो माइक का वायर जो है इधर से आते हुए इधर से निकल के ये जो 3.5 mm का ये जो जैक है इधर से मैंने इसमें लगा दिया। अब एडाप्टर क्या काम में आता है, अब GoPro लेते हो तो उसमें एडाप्टर आपको लगेगा ही गाइस, क्योंकि ये 4000 का एडाप्टर मैंने लिया है, ये एडाप्टर नहीं ना होने से आपका जो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्यों नहीं हो पाएगी गाइस मैं GoPro से दिखाऊंगी आप लोगों को तब समझ में आएगा। और ये माइक एडाप्टर से वीडियो एडिटिंग का जो साउंड क्वालिटी है वो बेहतर आएगा गाइस। और हो गया ये माइक एडाप्टर, और जो आएगा एक माउथ और एक हेलमेट, और जो चीज़ चाहिए होती है बाइक या स्कूटी आपके पास जो भी टू व्हीलर है आप उसी में इजीली कर सकते हो मोटो ब्लॉगिंग। और मोटो ब्लॉगिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है गाइस, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, आपको ध्यान से चलानी है बाइक, और किसी को ओवरटेक करने के चक्कर में आप मतलब
कि ज़्यादा स्पीड मत उठाए, ठीक है। आप हाईवे में जाके जितना भी स्पीड हो सकती है टॉप एंड कर सकते हो तो कर लो, लेकिन पब्लिक सिटी में आप ज़्यादा स्पीड मत उठाइए गाइस। जो वाई माउथ क्या काम में आती है गाइस, ये देख सकते हो कि ये जो माउथ है ये माउथ गिरने से बचाती है गाइस। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ लोगों को, ये जो चीज़ें है ये एक वाई माउथ है जो यहाँ से हेलमेट को कवर करती है। और वाई माउथ के साथ साथ गाइस, तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि एक वाई माउथ चाहिए होगी, जो एक वाई माउथ जो हेलमेट को मतलब हेलमेट से ऐसे लॉक करने से आपको ये पोजीशन में आएगी। और उसके बाद लगेगा एक ये वाला माउथ जो GoPro को हम अटैच करते हैं, उसके लिए आपको ऐसे खोलना है गाइस। देख सकते हो ये वाला जो सिस्टम है इधर से खुल जाता है, ऐसे खुल जाएगा। और माइक अडाप्टर इधर है तो मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया, तो इधर से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो जाएगा आपका इंस्टॉल। तो गाइस फाइनल और लास्ट जो स्टेप है, जो GoPro को हम लोग कैसे हेलमेट में लगा सकते हैं, तो GoPro ऐसे नहीं लगेगा गाइस, जब टाइप करना हो रहा ये सब कोई काम में नहीं आएगा। अभी जो इसका जो इधर का हिस्सा है आपको खोलना है, नहीं तो सेट नहीं हो पाएगी गाइस। इसको ऐसे खींचने से खुल जाएगी और इस तरह से रख दिया मैंने साइड में। अब बारी है माउथ की, जो ये फोल्डर है आपको कैमरा ऐसे लेना है और कैमरे को ऐसे इधर से उठाना है गाइस, ऐसे रख देना है। और ये जो ऐसे ये लॉक इधर करके ऐसे लगाना है, मैंने GoPro लगा दिया। और एडाप्टर कैसे लगाना है गाइस, ये देख सकते हो, जो GoPro का चार्जर का जो जैक था वही पे आपको ये एडाप्टर लगानी है। ये माइक एडाप्टर है जो मैंने यहाँ से लगा दिया। अब क्या होगी, इधर से इसको प्रेस करने से ये रिकॉर्ड चालू हो गया गाइस, ये देख सकते हो कि रिकॉर्ड हो रही है सामने से। तो कुछ भी आप बोल सकते हो, तो मैंने जो बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ये देख सकते हो कि मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो गाइस कैसे हम लोग मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो पूरा सेटअप मैंने दे दिया। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो गाइस, और चैनल पर नए हो तो भाई सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है।